नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। तीखी गर्मी के साथ गर्म हवाओं का दौर अब प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसमी उठापटक के साथ गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है और उन्होंने कहा है कि कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के भी आसार जताए गए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, चंद्रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जलौन, हमीरपुर, झांसी और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आंचलिक मौसम विभाग केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 18 से 20 अप्रैल तक प्रदेश में मौसमी बदलाव देखने को मिलेंगे। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर बारिश के आसार हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्म हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है। बृहस्पतिवार को पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के तेवर तल्ख होने के साथ ही पारा ने भी रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। इसमें प्रयागराज लगातार सबसे गर्म बना हुआ है। 7 दिन पहले ही प्रयागराज में अधिकतम पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसमें एक हफ्ते से मामूली उतार चढ़ाव बना हुआ है। सोमवार को अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि झांसी में 43.6 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बता दें कि आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी मौसम बुलेटिन के मुताबिक तापमान में विचलन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रयागराज और कानपुर में लू जैसे हालत बने हुए हैं। यहाँ पारे में सामान्य से 4 डिग्री से ज्यादा विचलन है। कानपुर में तापमान 42.8 डिग्री दर्ज हुआ है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।